वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा 2019 के 12 महीनों का हाल, आइए जानते हैं वार्षिक राशिफल से। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की। ये माह आपके लिए नई सौगात लेकर आया है। मन माफिक कार्य होंगे, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीति के लोगों के लिए समय सुखद रहेगा। पारिवारिक सहयोग के साथ उन्नति भी होगी। व्यापार व्यवसाय में यथेष्ट लाभ होगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रसन्नतादायक वातावरण रहेगा। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी इस माह उत्तम रहेगा। फरवरी में संतान पक्ष के कार्य में संतोषजनक वातावरण होगा। विद्यार्थी वर्ग सुखद स्थिति के साथ राहत पाएंगे। भाग्य के मामले में अनुकूल स्थिति रहेगी। व्यापारी वर्ग को संभल कर चलना होगा। नौकरी पेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहें। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने के साथ धन लाभ की भी संभावना है। शत्रु वर्ग पर आपका प्रभाव इस महीने बना रहेगा। मार्च में नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रसन्नतादायक खबर मिल सकती है। अधिकारी वर्ग भी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। व्यापार व्यवसाय की स्थिति भी प्रगतिवादी रहेगी। स्त्री पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण कार्य आपके बन जाएंगे। आर्थिक प्रयासों में तेजी के साथ लाभजनक स्थिति होगी। साझेदारी के मामले में थोड़ा सहयोगात्मक स्थिति रहेगी। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। अप्रैल में शत्रु पक्ष पर प्रभाव के साथ कर्ज है तो कर्ज की स्थिति में कमी आ जाएगी। संतान से प्रसन्नता के साथ विद्यार्थी वर्ग के लिए खुश करने वाला समाचार मिलेगा। वाहन आदि सुखों में अनुकूल स्थिति होगी। आर्थिक प्रयासों में सफल होंगे। व्यापार व्यवसाय में प्रगति होकर लाभजनक स्थिति रहेगी। नौकरी पेशा भी अधिकारी वर्ग का सहयोग पाएंगे। मई में मनोरंजन के साधनों पर आपका खर्च हो सकता है और वाद विवाद और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग उत्तम बन रहे हैं। आर्थिक लाभ के साथ ही खर्च के योग भी हैं, तो खर्च थोड़ा संभल कर करें। साहस बल में वृद्धि होकर इच्छित कार्य में सफलता मिलेगी। शत्रु पक्ष प्रभावहीन होंगे। पारिवारिक मामलों में संतोषजनक स्थिति पाएंगे। धर्म कर्म के मामलों में खर्च हो सकता है। जून महीने में समय का जितना सदुपयोग करते बने करें। साहस में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही से आपको बचना होगा। स्त्री पक्ष का ध्यान रखें और वाद विवाद से बचें। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा। पारिवारिक मामलों में मिली जुली स्थिति रहेगी और आर्थिक मामलों में लापरवाही से थोड़ा बचें। जुलाई में भाग्य में अनुकूल स्थिति बनने से आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। स्त्री पक्ष का सहयोग अनुकूल रहेगा ताकि आपको खुशी मिले। व्यापार व्यवसाय में थोड़ा संभल कर चलना होगा और जोखिम के कार्य से बचना होगा। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, वहीं शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव बना रहेगा। आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। अगस्त में प्रभाव बढ़ने से आप अपने कार्य में अनुकूलता पाएंगे। व्यापार व्यवसाय की स्थिति अनुकूल होगी। नौकरी पेशा कामकाज में व्यस्तता का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय मिला जुला रहेगा। बाहरी संपर्क लाभदायक हो सकते हैं और यात्रा के योग भी बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण होगा। सितंबर में राजनीति से जुड़े व्यक्ति अनुकूल वातावरण मिलने से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। व्यापार व्यवसाय की स्थिति में सुधार के साथ ही प्रगतिवादी समय होगा। अधिकारी वर्ग के लिए समय सुखद रहेगा। पारिवारिक मामलों में ध्यान रखने की जरूरत है। शत्रु पक्ष पर आपका यथेष्ट प्रभाव बना रहेगा और महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होंगी। अक्टूबर में भाग्य में अनुकूल स्थिति होने से आपके कार्यों में सुगमता होगी। शत्रु प्रभावहीन होंगे। समय का सदुपयोग जितना कर सके करें। नौकरी पेशाओं के लिए ये समय परिश्रम भरा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों से आपको थोड़ा समझदारी से चलना होगा। मकान और भूमि संबंधित मामले में जोखिम के कार्य से बचें। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। नवंबर में नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यों में सावधानी रखने की जरूरत है। संतान पक्ष का सहयोग किसी कार्य में मिलने से राहत मिलेगी। व्यापारी वर्ग को नवीन कार्य से बचना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक ठीक रहेगा। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता होगी। राजनीति के लोगों को संभल कर चलने की जरूरत है। और साल का आखिरी महीना दिसंबर आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा और मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। साझेदारी के मामले में सफलता पाएंगे। संचार माध्यम से शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय में सुखद स्थिति रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुकूल स्थिति बनने से आपके काम आसानी से बन जाएंगे। धन और कुटुंब के मामलों में सहयोगात्मक स्थिति रहेगी और शत्रु परास्त होंगे। अब बात करते हैं साल के उपाय की। इस वर्ष मूंगे के साथ आपको पुखराज पहनना लाभदायक रहेगा। प्रति मंगलवार बजरंग बाण पढ़ें। लाल मुंह के बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं ताकि ये साल मंगलमय हो जाए।